नमस्ते। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम ये कैसे समझ सकते हैं कि बोन में जो गांठ है वो कैंसर है या कुछ और है। मैं हूँ डॉक्टर चेतन अंचन। मैं पिछले 19 सालों से बोन कैंसर के फील्ड में काम करते आ रहा हूँ। ये जो सवाल है ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और ये हमारे पास जो भी पेशेंट आते हैं उनके मन में भी रहता है और हमारे मन में भी रहता है कि हम ये बोन में जो हमें ट्यूमर या स्वेलिंग जो दिख रहा है इसका एक्चुअल नेचर या ट्रू नेचर क्या है, ये कैंसर है या कुछ और है। ये जो चीज़ है कैंसर या कुछ और है इसको रिजॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कैंसर होने का अगर ये कैंसर निकला तो इसका ट्रीटमेंट का डायरेक्शन बहुत अलग रहता है, और ये नॉन कैंसरस ट्यूमर निकला तो इसका ट्रीटमेंट बहुत अलग तरह से होता है। बिसाइड्स नोइंग कि ये कैंसरस है या नॉन कैंसरस है, इसका और भी स्पेसिफिक ये कौन सा टाइप, अगर कैंसर है तो ये कौन सा टाइप का कैंसर है, प्राइमरी बोन कैंसर है, ये बोन से निकली हुई कैंसर है या मेटास्टैटिक कैंसर है, दूसरी जगह से आई हुई कैंसर है, अगर दूसरी जगह से आई हुई कैंसर है तो ये लंग से आई है या ब्रेस्ट से आई है या प्रोस्टेट से आई है, और इसके अलावा ये बोन मैरो से निकली हुई कैंसर है, ये भी जानना ज़रूरी है। तो इसके लिए हमें काफ़ी सारे वर्कअप इंक्लूडिंग मेडिकल हिस्ट्री लेना, पेशेंट का जो मेडिकल हिस्ट्री है पहले क्या हुआ है, ये जो कंप्लेंट है वो कब से है, कैसा ये तकलीफ शुरू हुआ, ये सारा चीज़ से भी हम इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। इसके अलावा एक्सरे, एमआरआई और बायोप्सी, ये सारे प्रोसीजर्स भी इसमें काम करते हैं। तो हमारा पहला कॉन्टैक्ट जब पेशेंट से होता है तो हम पेशेंट का बहुत ज़्यादा डिटेल्ड हिस्ट्री लेते हैं, मतलब आप हमारे पास किस लिए आए हैं, आपको तकलीफ़ क्या है, आपका तकलीफ़ आपको कब से है, और ये तकलीफ़ पहले से ज़्यादा बढ़ रहा है या कम है, ये कितने समय से है, कई हफ्तों से है या कई महीनों से है या कई दिनों से है या सिर्फ कल से है। जो शॉर्ट हिस्ट्री है इससे हमें ज़्यादा वरी नहीं होता है, लेकिन जिनका कंप्लेंट कई हफ्तों से है या कई महीनों से है, दीज आर द टिपिकल पेशेंट्स जिसमें बोन में कैंसर होने का एक पॉसिबिलिटी है। दूसरा, हिस्ट्री में हम ये देखते हैं कि ये जो तकलीफ़ है ये निरंतर बढ़ते जा रहा है या कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, या कभी कभी पूरी तरह से मिट रहा है। कैंसर वाला जो तकलीफ़ है वो जनरली अपने आप कम नहीं होता है, कभी कभी दवाई देने से वो टेम्परली रिलीफ मिल सकता है, लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड है वो उनका जो कंप्लेंट है ऑफ पेन वो बढ़ता रहता है, एंड इनफैक्ट वो बढ़ने की वजह से ही वो हमारे पास कंसल्टेशन के लिए आते हैं। दूसरा, जिनको भी कहीं भी स्वेलिंग है, स्वेलिंग इज़ अ वेरी टिपिकल साइन, मतलब उस चीज़ को हम इग्नोर या डिनाई नहीं कर सकते। सूजन मतलब एक फिजिकल साइन है कि यहाँ पे कुछ तो प्रॉब्लम है, अगर किसी को सूजन है विच इज़ रिलेटेड टू बोन तो वो तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है और उसमें हमें बहुत ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है। बिसाइड्स दैट, अगर पेशेंट अबाउट द एज ऑफ 40 है तो हम ये भी पूछते हैं कि आपको पहले कभी कुछ किसी प्रकार का ट्यूमर या कैंसर हुआ है, मतलब कोई और ऑर्गन का। ऐसा भी हो सकता है कि इनको 5 साल पहले ब्रेस्ट कैंसर हुआ हो, उनमें आफ्टर सो मेनी ईयर्स भी कभी कभी बोन में बीमारी फैला हुआ प्रेजेंटेशन आ सकता है। तो हिस्ट्री बहुत ज़रूरी है, पेशेंट का मेडिकल हिस्ट्री, ये जानना कि तकलीफ़ कब से है और तकलीफ़ का प्रोग्रेशन कैसा है और पास हिस्ट्री ऑफ कोई कैंसर या ट्यूमर है या नहीं। इसके अलावा हम पेशेंट को फिजिकली एग्जामिन करते हैं ये देखने के लिए कि ये तकलीफ़ किस जगह पे है और उसका एक्सटेंट क्या है। फिजिकल एग्जामिनेशन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ पेशेंट वर्कअप। इसके बाद नेचुरली द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू डू इमेजिंग। इमेजिंग में हम सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा इन्वेस्टिगेशन है वो है एक्सरे। एक्सरे में डिपेंडिंग ऑन व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, काफ़ी सारे ट्यूमर्स का टिपिकल एक्सरे फाइंडिंग्स रहता है, स्पेशली प्राइमरी बोन कैंसर्स का, मतलब बोन में ही निकली हुई कैंसर लाइक कॉन्डोसार्कोमा, इविंग सार्कोमा, ऑस्टियोसार्कोमा, इसके टिपिकल एक्सरे फीचर्स है जिससे हम काफ़ी हद तक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें प्राइमरी बोन कैंसर होने का पॉसिबिलिटीज़ है। बिसाइड्स दैट, मेटास्टैटिक कैंसर में भी अगर पेशेंट का एज 40 के ऊपर है और एक्सरे में टिपिकल ऐसा फीचर्स है जिससे बोन में डैमेज दिख रहा है तो इसमें
मेटास्टैटिक कैंसर या मल्टीपल मायलोमा, इन सारे बीमारियों होने का भी पॉसिबिलिटीज। सो एक्सरे से बहुत ज़्यादा जानकारी मिल सकता है रिगार्डिंग व्हाट काइंड ऑफ बोन ट्यूमर वी आर डीलिंग विद। उसके बाद ऑफकोर्स MRI है, जिससे हमें इस गार्ड का और भी ज़्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलता है। बट फाइनली सबसे इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है, जिससे ये पूरी तरह से हम कंफर्म कर सकते हैं वेदर वी आर डीलिंग विद कैंसर और नॉट, वो है बायोप्सी। तो जो भी गार्ड है उसका इमेज गाइडेड या एनी फॉर्म ऑफ गाइडेंस से आप बायोप्सी कर सकते हैं। गार्ड बहुत बड़ी है तो शायद इमेज गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है, बट टिपिकली आजकल के ज़माने में हम नील बायोप्सी करते हैं, मतलब गार्ड के अंदर एक सुई डालते हैं, उसमें से थोड़ा टिश्यू सैंपल करते हैं और वो पैथोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं और उसके ऊपर से रिपोर्ट इश्यू होता है और उसमें इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस डायग्नोसिस क्लियर हो जाता है। वेरी रेयरली हमें पेट CT करके एक इन्वेस्टिगेशन है उसका भी मदद लेना पड़ सकता है। सो दिस इज़ अ वे हम बोन कैंसर को आइडेंटिफाई करते हैं या डायग्नोस करते हैं। तो आपके मन में और भी कुछ सवाल हो इसके बारे में तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या आप हमें ईमेल कर सकते हैं और हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे आपके सवालों का जवाब देना। धन्यवाद।